अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, आई होप यू विल बी फाइन। चले आज बच्चे हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं किफ़ायत शारी की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान मिला है। ठीक है, माल को ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना कहलाता है फजूल खर्ची, ईमानदारी, किफ़ायत शारी या बखल किफ़ायत शारी। ठीक है, कौन सा इंसान तंग दस्त नहीं होता, कंजूसी करने वाला, फजूल खर्ची करने वाला, म्याना रवी इख्तियार करने वाला, अय्याशी करने वाला, म्याना रवी इख्तियार करने वाला। अल्लाह ताला ने शैतान का भाई करार दिया है झूठे को, बदकार को, फजूल खर्च को, बदअहद को, फजूल खर्च को। फजूल खर्च इंसान आखिर का मुबतला हो जाता है खुशहाली में, माली तंगी में, माली फरोखी में, जहनी दबाव में, माली तंगी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्री वाला क्वेश्चन है, खाली जगह पूर करें वो इंसान डैश नहीं होता, तंग दस्त नहीं होता जिसने म्यांमार रवि इख्तियार की। बखील अल्लाह का दुश्मन है अगरचा वो डैश हो, अबादा गुजार हो। बेहतरीन काम वही है जिनकी बुनियाद डैश पर है, म्याना रवि पर है। फजूल खर्च अपनी इस आदत की वजह से डैश हो जाता है मकरूज। किफ़ायत शारी की बदौलत इंसान को डैश मिलता है, दिली सुकून मिलता है। ठीक है बच्चे, आप इसको अच्छे तरीके से याद करना होगा।